किचन, यहाँ पे गर्मियां तो आई चुकी है, साथ ही साथ फरमाइश भी आ चुकी है कुछ ठंडा पीने की, तो चलते हैं किचन में और वाटरमेलन स्मूदी बनाते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने लिया है कटा हुआ वाटरमेलन, 1 glass मिल्क, 1/2 cup वाटर, चिल वाटर, आइस क्यूब्स, 2 tablespoon शुगर और साथ में मेन इंग्रेडिएंट है हमारा रूह अफ़ज़ा। तो अब हम सबसे पहले अपना वाटरमेलन डालेंगे मिक्सी के अंदर। अब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे। अब हम इसके अंदर मिल्क डालेंगे। अब मैं आइस डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर 2 small tablespoon शुगर डालेंगे। आप चाहें तो शुगर स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वाटरमेलन में अपनी स्वीटनेस होती है। अब हम 2 tablespoon रूह अफ़ज़ा डालेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है, और इस रूह अफ़ज़ा का आइडिया मुझे मेरी मदर इन लॉ से मिला है। तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स डल चुके हैं, तो अब हम इसे मिक्सी पे चला लेते हैं अच्छे से 1 minute के लिए, और तब तक मैं आपको प्रेजेंटेशन करना सिखाती हूँ इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम। ये मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है और इसको ऐसे धीरे धीरे मैं सारी तरफ कर दूँगी, तो वो अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे हम अपने और ग्लासेस भी रेडी कर लेते हैं, और अब मैं इस पे कटा हुआ वाटरमेलन लगाऊंगी, इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने ऐसे ट्रायंगल के अंदर अपना वाटरमेलन काटा है और मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ। तो हमारे ग्लासेस रेडी हैं और हमारा स्मूदी भी रेडी है, तो और अब मैं इनके अंदर स्मूदी डालूंगी। कलर तो आप देख ही सकते हैं कि स्मूदी का कितना बढ़िया आया है, और टेस्ट भी इतना ही बढ़िया होगा। अब आप इसको पी के देखें, ठंडा ठंडा मज़ा आ जाएगा। हमारी वाटरमेलन स्मूदी एकदम रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वाटरमेलन स्मूदी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।